चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जोर से बोलिए। हम लोग का कौन सा ये क्लास है? तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? पहला दो क्लास का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो लोग क्लास नहीं किए देख लीजिए, आप लोगों को करा दिया गया। किसका बात कर रहे हैं? वापस से बोलिए। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या था? इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना था कि भाई बिजनेस किस किस तरीका का होता है, बिजनेस किस किस तरीका का कैसा कैसा बिजनेस होता है, यही पढ़ना हम लोगों को। कहाँ पे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ ये पढ़ के सुनाइए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो क्या बोले? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बालक लोग लुक एट द बोर्ड। बालक किसका बात कर रहे हैं? एलएलपी किसका बात कर रहे हैं? एलएलपी का फुल फॉर्म बोलिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो क्या बोले? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहला प्रश्न आता है, समझना जरूरी है कि व्हाट इज एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप माने ये पार्टनरशिप टाइप का ही। कैसा भाई? पार्टनरशिप टाइप का, लेकिन इसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। इसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। अगर हम पार्टनरशिप खोलते हैं, साझेदारी व्यापार खोलते हैं, तो उसमें महाडिसएडवांटेज यही है कि उसका लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या हम लोग का? मतलब लास्ट में कर्जा वगैरह हो गया तो घर बार बेच करके चुकाना पड़ेगा। घर बार बेच करके चुकाना। भाई दिक्कत है, पार्टनरशिप में महाडिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, मान लीजिए पार्टनरशिप में एक को तो महाडिसएडवांटेज है, कौन सा? लिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा बोलिए? लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी समझते हैं, कंपनी जो चल रहा है, फर्दर बात समझेंगे डिटेल्स में कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी खोल लेते हैं, लेकिन कंपनी खोलने में भी दिक्कत है। कंपनी खोल लेंगे तो इतना सारा नियम है कि नियम फॉलो करने में दिक्कत है, माने कंप्लायंस ज्यादा है, नियम ज्यादा है, कंप्लायंस ज्यादा, नियम। मान लीजिए छोटा व्यापारी है तो भाई इतना नियम कैसे फॉलो करेंगे? तो पार्टनरशिप में भी डिसएडवांटेज है और कंपनी में भी डिसएडवांटेज। तो आप खोले तो क्या खोले? बिजनेस खोले कि खोले नहीं? बोलिए, बिजनेस खोला जाए कि बिजनेस नहीं खोला जाए? पार्टनरशिप में भी दिक्कत है और कंपनी में भी दिक्कत है। सरकार बोला कि भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिनको पार्टनरशिप में दिक्कत लग रहा है और कंपनी में भी दिक्कत लग रहा, उनको एक बीच का रास्ता देना, जिसका नाम क्या रहेगा? क्या रहेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये खोल लीजिए, आपको दोनों झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दोनों झंझट से क्या मिल जाएगा? मुक्ति। माने ये भी एक तरीका का पार्टनरशिप है, लेकिन लायबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड। लायबिलिटी क्या रहेगा? माने एक लिमिटेड अमाउंट तक ही मेरा जिम्मेवारी है। माने इसमें अगर ज्यादा कुछ हो जाता है तो हमारा पर्सनल घर बार बिकने वाला नहीं है। किसके बात करें? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो क्या बोलो? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें लायबिलिटी क्या रहने वाला? लिमिटेड लायबिलिटी क्या रहने वाला? लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। किसके तहत कराएंगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हम लोग रजिस्टर कराएंगे एलएलपी एक्ट 2008 के तहत। बोलो क्या बोले? एलएलपी एक्ट 2008। ताजा ताजा एक्ट है, कोई पुराना एक्ट नहीं है। देखो 2000 ताजा ही होता है। यस सर। समझे किसका बात कर रहे हैं? एलएलपी एक्ट 2008। बोलो क्या बोले? एलएलपी एक्ट। तो एलएलपी को खोलने के लिए हमें किसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा? एलएलपी एक्ट 2008। बोलो क्या बोले? एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, मन करे तो कराइए, नहीं मन करे तो नहीं। यहाँ ऑप्शनल वगैरह नहीं है। एलएलपी खोलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एलएलपी खोलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ क्या मैंडेटरी है, खुलवाना ही करवाना ही पड़ेगा। क्या चीज? रजिस्ट्रेशन। क्या बोलिए? अच्छा, एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग लगेंगे? दो लोग। एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? दो लोग। समझे, एक लोग एलएलपी खोल सकता है क्या? नो सर। कम से कम दो लोग। कम से कम दो लोग। और मैक्सिमम इसमें कितना लोग रहेगा? मिनिमम तो दो हो गया, मिनिमम कितना हो गया? दो। मैक्सिमम कितना रहेगा भाई? नौ लोग। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना पार्टनर बनाना बनाओ। एलएलपी के तहत तुमको जितना पार्टनर बनाना है बनाओ। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कम से कम खोलने के लिए ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए। समझे? जैसे मान लीजिए दोनों बालक मिलकर के एलएलपी खोलना चाहते हैं, क्या ये लोग खोल पाएंगे? यस सर। बोलिए। यस सर। वो भी इसमें साझेदारी करना चाहते हैं, क्या खोल पाएगा लोग? यस सर। तीन जन हो गए, खोल पाएगा लोग? यस सर। और दीदी लोग भी मिल रही है इसमें, खोल पाएगा लोग? यस सर। समझ गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एलएलपी। क्या कहते हैं? एलएलपी। समझ पा रहे? तो एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008,
इसको खोलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग। मैक्सिमम कितना रहेगा? नो लिमिट। मैक्सिमम कितना रहेगा? नो लिमिट। तो हम लोगों को सिर्फ आपके सिलेबस में फीचर्स ही पढ़ना है। एलएलबी का क्या पढ़ना है? फीचर्स। फीचर्स माने विशेषता। फीचर्स माने विशेषता। हम लोग समझ रहे हैं फीचर्स ऑफ एन एलएलबी। एलएलबी का क्या विशेषता है? एलएलबी का क्या विशेषता है? नहीं होगा एक कर दीजिए बेटर। फीचर्स ऑफ एलएलबी। एलएलबी का फीचर्स क्या है? एलएलबी का फीचर्स क्या है? सुनिएगा ध्यान से। एलएलपी का फीचर्स क्या है? पहला क्या हम लोग का? सेपरेट लीगल एंटिटी। बोले क्या बोले? सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी का क्या समझ रहे हो? फीचर्स। क्या समझ रहे हैं? फीचर्स। फीचर्स माने विशेषता। फीचर्स माने विशेषता। लोगों का भी एक एक विशेषता है, हमारा भी कुछ विशेषता है, वैसे एलएलपी का भी क्या है? विशेषता है। क्या क्या विशेषता? पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो क्या बोले? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि एलएलपी अलग है और इसके पार्टनर अलग है। LLP अलग, इसके पार्टनर अलग। समझ पा रहे हैं? LLP एक कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको लॉ ने बनाया, जिसको लॉ ने बनाया, जिसके पास कोई माइंड नहीं होता है और उसमें कोई जान नहीं होता, खाली कानून के नजर में ऐसा चीज है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आर्टिफिशियल माने जिसको हम लोग बनाए, जिसको हम लोग बनाए। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब LLP अलग है और इसके पार्टनर अलग है। LLP अलग है, इसके पार्टनर अलग है। LLP अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है। LLP अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है। किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। LLP अपना संपत्ति को बेच सकता है। LLP अपने संपत्ति को बेच सकता है। और आप लोग LLP के साथ गड़बड़ करेंगे तो LLP आपके केस करेगा। आप लोग माने कस्टमर। आप लोग माने कस्टमर। स्टेक होल्डर, उससे संबंधित जो लोग भी रहते हैं उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। समझ पा रहे? ये लोग अगर बदमाशी करेगा तो LLP उस पे केस करेगा। LLP क्या करेगा? उस पे और LLP बदमाशी करता है अपने स्टेक होल्डर के प्रति, तो स्टेक होल्डर भी LLP पे केस कर सकता है। स्टेक होल्डर भी LLP पे केस कर सकता है। पार्टनर को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पार्टनर अलग है, LLP अलग है। समझ गए हैं? इसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो क्या बोले? सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ पा रहे हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बोलेंगे कि LLP इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। LLP इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। LLP बोथ आर सेपरेटेड। बोथ आर सेपरेटेड। LLP कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम and do the contract from the outsider. Do the contract from the outsider. Can be sued to be sued. Can be sued and to be sued. Case कर भी सकता आप पे और हम लोग भी केस LLP पे कर सकते हैं। क्लियर है? इसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो क्या बोले? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो जहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी आगे समझ जाइएगा भैया क्या है क्या। नेक्स्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मेंबर पार्टनर आएंगे और पार्टनर जाएंगे। पार्टनर को आने और जाने से LLP को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। LLP एकदम जीवित रहेगा, इसे कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बोलो क्या बोले? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। माने अगर पार्टनर मर भी गया, समझे, मान लीजिए तीन पार्टनर एक और कोई पार्टनर तो मर गया, तो आप लोग LLP बंद हो जाएगा। आप लोग का मान लीजिए कोई एक और पार्टनर था, LLP बंद हो जाएगा? नो सर, LLP चलते रहेगा। तो पार्टनर के आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसे कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बोलो क्या बोले? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे मान लीजिए धीरू भाई हमारे नहीं है तो क्या रिलायंस नहीं चल रहा? चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है। बोलिए, इसको कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं? मेंबर रहे या ना रहे लेकिन ये चलते रहेगा, समझे, जीवित रहेगा, इसे कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बोलो क्या बोले? नंबर ऑफ पार्टनर, खोलने के लिए कम से कम कितना चाहिए? दो। दो। क्या चाहिए? दो पर्सन, समझे। मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम जितना पार्टनर बनाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है जो डेली आकर के बिजनेस को चलाएगा, जिसके कंधा पे LLP टिका रहेगा, जिसके कंधा पे LLP टिका रहेगा, और जो डेली का बिजनेस को मेंटेन करेगा। समझ पा रहे? वो मेंटेन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। वो मेंटेन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मान लो ये लोग का LLP में 70 को पार्टनर है, तो 70 पार्टनर थोड़ी आएगा चलाने। ये लोग जिसको हेड बनाएगा वही चलाएगा। ये लोग जिसको हेड बनाएगा वही चलाएगा। ये लोग पार्टनर रहेगा लेकिन चलाएगा कौन? जिसको ये लोग हेड बनाएगा। तो जिसको हम लोग हेड बनाएंगे, जो डेली LLP को क्या करेगा, LLP का काम धंधा को देखेगा, उसे कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कम से कम दो लोग बनाना पड़ेगा। कम से कम दो लोग रहेगा। कम से कम कितना लोग रहेगा?
समझ पा रहे हैं? कम से कम दो लोग रहेगा जिसमें एक ठो इंडियन होना चाहिए, माने वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, माने कम से कम पिछला साल भारत में 182 दिन गुजारा हो, कितना दिन? 182 नहीं समझे, नहीं तो फिरंगी को बना लिया तो फिरंगी बने अंग्रेज जंगली, नहीं समझे? तो एक तो फिरंगी को बनाओ लेकिन दोनों फिरंगी नहीं होना चाहिए, जिसमें से एक तो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो, कम से कम दो को डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, एक भारत में जो रहता हो। कैसे मालूम चलेगा भारत में रहता है? जो पिछला साल कम से कम 182 दिन भारत में गुजारा हो, कितना दिन? 182। बिजनेस मैन है, जरूरी भारत में रहेगा, दूसरा देश में भ्रमण करता है बिजनेस मैन, मालूम है ना? तो बनाइए पार्टनर, लेकिन क्या होना चाहिए? वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों भारत का है तो ओके, ये आपके लागू नहीं होता है। अरे मान लीजिए बाहर का आप ले रहे हैं तो कम से कम एक तो कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। इसे कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो क्या बोले? नेक्स्ट हम लोग का लिमिटेड लायबिलिटी। बोलो क्या बोले? नाम से एक पता चल रहा है कि लायबिलिटीज आर लिमिटेड, लायबिलिटीज आर लिमिटेड, किसका? पार्टनर का। किसका? लायबिलिटी लिमिट रहेगा भाई, हम जितना तक का जिम्मेवारी लिए हैं उतना ही पैसा चुकाएंगे, उससे बेसी हम चुकाने वाले नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। बोलो क्या बोले? क्या कहते? बोलिए। संभालते जा रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं? संभालते जा रहे हैं ना? Yes, sir. बोलिए। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या हम लोग का? मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। आपको एनुअल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। एनुअल अकाउंट्स माने पूरे साल का हिसाब किताब रखना होगा, पूरे साल का हिसाब किताब आपको रखना होगा, इसे कहते हैं मेंटेन एनुअल अकाउंट, मेंटेन एनुअल अकाउंट। और सबमिशन ऑफ अफेयर्स, आप क्या किए हो साल में, जिधर आपका खुला हुआ है एलएलपी, अपने रजिस्ट्रार को बताओ, जहाँ तुम पैदा हुए हो उसको बताओ, नहीं समझे? एलएलपी जिधर रजिस्टर्ड हुआ, एलएलपी जिधर रजिस्टर्ड हुआ, बताओ, जिधर तुम्हारा रजिस्ट्रार है, जहाँ से तुम रजिस्ट्रेशन लिया है उसको बताओ पूरे साल का कि हुआ क्या है, इसे कहते हैं सबमिशन ऑफ अफेयर्स। बोलो, सबमिशन ऑफ अफेयर्स, सबमिशन ऑफ अफेयर्स। ए डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो तुम दोनों? बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है? बोलिए, बनना चाहते हैं? तो डीपी बना लीजिए, मैंडेटरी डीपी। बोलो क्या बोले? मैंडेटरी। क्या बनाना पड़ेगा? मैंडेटरी डीपी। जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है उसको डीपी बनाना होगा। डीपी माने डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो क्या बोले? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए क्या बनाना होगा? डीपी। क्या बनाना होगा? समझे? डीपी बनेगा किधर से? पैन कार्ड किधर बनता है भाई? कौन देता है पैन कार्ड तुम लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डीपी भी कौन देगा? कौन देगा? तो एलएलपी का अगर सोच लिया और भविष्य में अगर आपको क्या बनना है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या बनना है? डीपी बना के रखिए। क्या बना के रखिए? जैसा लोग पैन कार्ड बना के रखे होंगे भाई, पैन कार्ड लड़का ने बिल बनाएगा वो, समझ पा रहे? तो आपको अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो क्या बनाना होगा? डीपी। क्या बनाना होगा? क्या होता है फुल फॉर्म? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो क्या बोले? आप लोग क्या चाहते हैं? ये लोग मुंह काला करके भागे तो भागने दिया जाए कि पकड़ लिया जाए? डिपिन रहेगा तब ना पकड़ेंगे, इसीलिए डिपिन जरूरी है, नहीं तो मुंह काला करके भाग जाएगा। मुंह काला करके मारे लूट मार करके भाग जाएगा, घोटाला करके पैसा लेके फरार हो जाएगा, समझे? तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये लोग को पकड़ लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? डिपिन चाहिए ना जी, इसलिए हम लोग डिपिन बनवाते हैं, मैंडेटरी डिपिन। बोलो क्या बोले? नॉर्मल आप लोग, यही हम लोग का फीचर सब मिल जाएगा। एक बार पॉइंट बोल दीजिए, पहला क्या? दूसरा परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, मेंटेन एनुअल अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ अफेयर्स और मैंडेटरी डीपी। मैंडेटरी बस बस। ए एलएलपी का खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? दो। कितना लोग चाहिए? दो। मैक्सिमम? नो लिमिट। मैक्सिमम? नो लिमिट। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना चाहिए? दो। जिसमें एक तो क्या होना चाहिए? इंडिया। समझे? माने वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, समझे? एक तो फिर भी चलेगा क्या? यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? सहकारिता। कोऑपरेटिव सोसाइटी माने सहकारिता। कोऑपरेटिव सोसाइटी माने सुनिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग सुनिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाया जाता है
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना है तो कम से कम 10 लोग लगेंगे। कितना लोग लगेंगे? 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग? 10 लोग। अच्छे से समझिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कुछ होता है। समझ रहे किसका बात कर रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जोर से बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटी। खोलने के लिए कितना लोग चाहिए? 10। 9 रहेगा तो खुलेगा क्या? नहीं। इसका अलग से एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जोर से बोलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। समझ रहे हैं? यस सर। नहीं समझ रहे? समझ रहे। खोलने के लिए इसको कम से कम कितना लोग चाहिए? 10। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए खोला जाता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला जाता है अपने मेंबर का वेलफेयर के लिए, मेंबर का वेलफेयर, मेंबर का भलाई के लिए, मेंबर का भलाई के लिए। माने एक दूसरे का हम लोग हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक दूसरे का क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अपने मेंबर को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी एसोसिएशन माने अपने इच्छा से आप जुड़ सकते हैं। The voluntary association of person who join together with the aim of welfare for its member. ये लोग एक साथ ज्वाइन होते हैं किस लिए? अपने मेंबर का कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। समझ पा रहे? इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इज नोन एज कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम से कम कितना लोग लगेंगे? मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम नो लिमिट। समझ पा रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। जैसे कहीं कहीं पे देखिएगा, कहीं कहीं पे फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस माने रुपया, फाइनेंस माने रुपया। तो उसमें कुछ मेंबर होते हैं, समझ पा रहे? और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होता है। उस पैसा को लोग क्या करता है कि मार्केट में भी चलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेके, और अपने मेंबर को भी लोन देता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली, कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लीजिए 100 लोग मेंबर, 100 लोग प्रत्येक महीने में मान लीजिए 500 रुपये जमा होगा, सब लोग 500-500 लाए। ठीक है, मान लीजिए इन मेंबर को लोन के दरकार पड़ गया, उनको सस्ता रेट में हम लोन दे देंगे। सस्ता रेट में क्या दे देंगे? समाज में लेंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों से लिए, हम लोग का मेंबर है तो उनको सस्ता रेट में दे दिए। अच्छा, मेंबर लोग लोन नहीं लिया तो बाहर के लोगों को चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मेंबर को ही लोन देते हैं। समझ पा रहे? किसका बात कर? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका भलाई हो रहा भाई? मेंबर किसका भलाई? अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बिजनेस को भी रन किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत किसको रन किया जाता है? बिजनेस क्लब को रन किया जाता है। बिजनेस क्लब, क्लब जानते हैं? yes. क्लब तो जानते ही नहीं। yes. किसका बात कर हम लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जोर से बोलो किसका बात कर हम लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तो एग्जांपल देते तो बेटर रहता। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही बिजनेस कर रहा है और इतना बड़ा अंपायर है। अपना देश को तो दूध पिला ही रहा है और दूसरा भी देश को अमूल कंपनी दूध पिला रहा है, दूध के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट भी। वो बिजनेस कहाँ करता है भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बहुत सारे बैंक चलते हैं। बहुत सारे क्या चलते हैं भाई? बैंक चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत। समझे? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत स्कूल चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? स्कूल। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसका बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका? जैसे मैं जब स्कूल खोल रहा था मुझे टेंशन नहीं था, लाइसेंस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, तो हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस लेंगे। किसका लेंगे? और ये लाइसेंस लेना खूब टफ नहीं है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हो जाता अगर आप सही है तो। अगर आपका सब कुछ सही है तो आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसका बात करें? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोलो क्या बोले? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को रन किए जा सकते हैं। जैसे स्कूल चलाया जा सकता है, बैंक को चलाया जा सकता है। स्कूल चलाया जा सकता है, बैंक को चलाया जा सकता है। समझे क्या बोले? बिजनेस को रन किया जा सकता है। बिजनेस को रन किया जा सकता है। क्लियर है क्या? लेकिन इसको खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? कितना लोग चाहिए? इतना बड़ा अंपायर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही चल रहा है। अमूल का तो प्रोडक्ट कभी ना कभी आप लोग खाया होंगे, नहीं खाया होंगे, लेकिन कभी सोचे नहीं किधर बिजनेस कर रही है क्या? समझ पा रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करता है। किधर करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक वर्ड में बोले तो क्या नाम है? सहकारिता। बोलो क्या बोले? सहकारिता। क्या कहते हैं? सहकारिता। समझ पा रहे? अच्छा, एक तो यहाँ पे भी है नजदीक में आपके एरिया में शिव प्रवृत्ति कोऑपरेटिव, आपके एरिया में उधर अरे जीरो धर बगान हम लोग चाय पीने जाते हैं उधर में, एक तो है शिव प्रवृत्ति कोऑपरेटिव करके, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ मेंबर लोग जुड़े हुए हैं, लोन का काम
वहाँ पे क्या चीज का काम होता है? लोन का काम होता है। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोन? मैक्सिमम कितना रखना? में नहीं है। ये कौन सा एक्ट के तहत चलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हम बिजनेस चला सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। फाइनेंस यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत लगभग हर चीज को किया जा सकता है। लगभग हर चीज को किया जा सकता है। सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी? अमूल पिता है, यस पूरा भर गया। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स क्या सुन लीजिए? वॉलंटरी एसोसिएशन। बोलो क्या बोले? वॉलंटरी एसोसिएशन। हम अपने इच्छा से जुड़ सकते हैं ऐसे बिजनेस में, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने इच्छा से जुड़ सकते हैं। Yes. और हमको अगर इच्छा हो गया कि हमको नहीं रहना मेंबर, तो एक तो नोटिस दे देंगे, प्रॉपर नोटिस, और अपना कैपिटल लेकर के हम चले जाएंगे, पूंजी लेकर के चले जाएंगे। ये इसी को कहते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। बोलो क्या बोले? वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या कहते? बोलिए वॉलंटरी एसोसिएशन। क्लियर है क्या? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा भाई? वॉलंटरी एसोसिएशन। बोलो क्या बोले? वॉलंटरी एसोसिएशन। अपने इच्छा से जुड़ सकते हैं और अपने इच्छा से आपका जो कैपिटल आपको, इसे कहते हम लोग वॉलंटरी एसोसिएशन। बोलो क्या बोले? वॉलंटरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। बोलो क्या बोले? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इधर ऐसा नहीं है कि तुम काला तो तुमको नहीं लेंगे, ओ माय गॉड तुम हिंदू नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समझे? एक लड़का मुस्लिम है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझे क्या बोले? सारे कास्ट, सारे रिलीजियन, समझ पा रहे, सबको यहाँ पे वेलकम है। सारे पॉलिटिकल, समझ पा रहे, माने पॉलिटिकल नेचर का नहीं होता है, आप कौन सा पार्टी से बिलोंग करते क्या करते उससे कोई मतलब नहीं, सभी के लिए वेलकम है। समझ पा रहे? माने यहाँ पे आपको क्या नहीं देखेंगे भाई? कास्ट, क्रीड, रिलीजियन। बोलो क्या बोले? कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सब हम नहीं देखेंगे, सभी को वेलकम है। सभी लोग आकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग आकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, उसका नॉर्म्स होगा, जो कैपिटल वगैरह लगेगा वो देना होगा आपको, कैपिटल वगैरह जो लगेगा वो देना होगा। ज्वाइन कर रहे माने मेंबर बनने वाले, मालिक बन रहे, मेंबर बनने माने मालिक, फ्री में मालिक बनिएगा नो सर, कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्म्स बताएगा, जहाँ आप ज्वाइन कर रहे उसका नॉर्म्स बताएगा। नॉर्म्स माने नियम, नॉर्म्स माने क्या होता है? नियम। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। बोलो क्या बोले? रिलीजियस एंड मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन और पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये सब चीज को हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि कौन से कास्ट का है, समझ पा रहे हैं? कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का है, समझ पा रहे? कौन से पॉलिटिकल पार्टी का इसका एफिलिएशन है, ये सब हम लोग ध्यान देने वाले नहीं है। समझे? गोरा काला भी नहीं देखेंगे कि काला है तो लेंगे, गोरा है तो नहीं लेंगे, गोरा तो अभी काले काले बोले ऐसा नहीं होता। समझे? गोरे गोरे को नहीं, हम तो एक काले को लेंगे। इसका बात करें हम लोग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ खाली तुम शंकर भगवान की पूजा करने आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कुछ भी करे सबको वेलकम, समझे? नहीं समझे? आगे बढ़े। सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो क्या बोले? यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग और उसका मेंबर अलग। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपना प्रॉपर्टी बेच सकता है, जरूरत पड़ेगा खरीद सकता है और प्रॉपर्टी को बेच सकता है। किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और कुछ गड़बड़ करेगा तो केस केस कर सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी गड़बड़ करेगा तो हम लोग भी केस कर सकते हैं। समझे? यही होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझे? सर्विस मोटिव, ये लोग का उद्देश्य होता है सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाभ कमाने के लिए नहीं आते, हम लोग सेवा करने के लिए आते। सर्विस मोटिव, कौन सा मोटिव? सर्विस मोटिव। बताइए, हम जितना एग्जांपल दिए सब तो सर्विस मोटिव में ही आता है। जैसे मान लीजिए स्कूल बोले क्या चीज देना भाई? सर्विस। लोन का काम करना मैंने क्या देना? सर्विस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बोलेगा स्कूल वाला तो बहुत पैसा लेता है। यस सर। अरे तो सर्विस में कहीं लिखा हुआ पैसा मत लेना, ये बात थोड़ी लिखा हुआ है, सेवा तो दे ही रहा आपको।
पैसा तो लेगा ही लेगा, अब बैंक चल रहा है तो भाई पैसा तो लेगा ही लेगा। किसका बात कर रहा है? सर्विस मोटिव, बोलो सर्विस मोटिव। समझे? अमूल भी सेवा कर रहा है, दूध पिला रहा, अपना देश को भी पिला रहा, दूसरा देश को भी पिला रहा। नहीं समझे? बोलता हम सस्ता में दूध पिलाएंगे पूरे भारत। सर दाम बढ़ गया है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, ऐसे मत बोलिए। अमूल वाले सुनेंगे तो बोला जाएगा। सर्विस मोटिव, किसका बात कर रहे हैं हम? किसका बात कर रहे हैं? सर्विस। नेक्स्ट क्या है? इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले? इक्वल वोटिंग राइट। ये इक्वल वोटिंग राइट क्या होता है भाई? सारे मेंबर का बराबर का वोटिंग राइट है। बराबर का वोटिंग राइट, समझ पा रहे हैं? सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। इतना नंबर है, जैसे मान लीजिए ज्वाइन कर लिए तो इनका भी उतना ही हक है, उनका भी उतना ही हक है। समझे? इसे कहते हैं इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले हैं? इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले हैं? इक्वल वोटिंग राइट। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी। अब जो मैनेजिंग कमेटी में रहेगा वही मैनेज करेगा। समझे? मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 100 मेंबर है, 100 मेंबर है, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? मैनेजिंग कमेटी। मैनेज कौन करेगा? मैनेजिंग कमेटी। समझ पा रहे हैं? लेकिन मैनेजिंग कमेटी कभी कभी बुलाता है। किसको बुलाता है भाई? अपने मेंबर को। किस लिए बुलाता है? किसी मैटर पे डिसीजन लेना। किसी मैटर पे डिसीजन, किसी मैटर पे डिसीजन लेना है तो हम क्या करेंगे भाई? वोटिंग करेंगे। तो एक व्यक्ति के पास कितना वोटिंग राइट है? एक वोटिंग राइट। और इस समय वोटिंग, इस सब मीटिंग में हाथ उठा के होता है, इलेक्शन वाला वोटिंग नहीं है, एक हाथ उठा के, दोनों नहीं, अगर सब लोग राजी है तो ओके, ये काम होगा, नहीं राजी है तो काम नहीं होगा। यही है वोटिंग राइट। समझे? तो इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले? इक्वल वोटिंग राइट। माने एक मेंबर के पास कितना वोट रहेगा? एक मेंबर रहेगा। कितना कैपिटल दिया आपने? डजंट मैटर। कितना कैपिटल दिया वो? डजंट मैटर। समझे? किसका बात कर? इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले? इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट। बोलो क्या बोले? इक्वल वोटिंग राइट। लिमिटेड लायबिलिटी। इसका भी लायबिलिटी क्या रहेगा भाई? मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। कहां तक लिमिटेड है? जहां तक हम पूंजी लगा वहीं पर। हम जहां तक पूंजी लगा वहीं तक हमारा लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। समझ पा रहे? अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ भी कोई सीन नहीं है। फीचर्स क्या क्या? पहला क्या? दूसरा पॉलिटिकल, फिर सर्विस मोटिव, इक्वल लिमिटेड। यही हम लोग का फीचर्स है। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम लोग आते हैं कंपनी। कंपनी क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। कंपनी का क्या? कंपनी लॉ ने सुंदर डेफिनेशन दिया। कंपनी का सुंदर एकदम डेफिनेशन दिया किसने भाई? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ने बोला कि कंपनी मतलब कंपनी। कंपनी मतलब कंपनी का लॉ ही कंपनी। कंपनी मतलब लड़का का डेफिनेशन। लड़का मतलब का? लड़का मैंने लड़का। डेफिनेशन क्या सुंदर दिया? कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर और प्रीवियस एक्ट। या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ या तो पिछला एक्ट में रजिस्टर्ड है, या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ या तो पिछला एक्ट में रजिस्टर्ड है, दोनों ही कंपनी। दोनों ही कंपनी। इस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट। और इससे पहले वाला एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956। बोलो क्या बोले? कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, मैं पूछेगा कि थोड़ा बताओ पुराना वाला कंपनीज एक्ट का नाम, तो क्या बताएंगे? कंपनीज एक्ट 1956। जोर से बोलो क्या बोले? कंपनीज एक्ट 1956। और ये वाला एक्ट का क्या नाम है? कितना सुंदर डेफिनेशन है कंपनी मींस। जोर से बोलो कंपनी मींस। कंपनी मैंने क्या? कंपनी। या तो इस एक्ट में पैदा हुआ या तो पिछला एक्ट में पैदा हुआ, या तो इस एक्ट में या तो पिछले एक्ट में। किसी को हम क्या कहते हैं? कंपनी। क्या कहते हैं? कंपनी। तो कंपनी मींस कंपनी। कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। और प्रीवियस एक्ट। एक और दूसरा डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है, वो भी सुन लो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बोलो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि हम लोग कैसा रहेगा,
के बनावटी, इसके पास कोई लाइन है, कोई जमीन है, आर्टिफिशियल है, हम लोग बनाए जो लॉ के नजर में, किसके नजर में है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको किसने बनाया, लॉ ने बनाया, किसने बनाया, लॉ, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, बोलो क्या बोले, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कौन बनाया, लॉ, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, है तो कंपनी मींस कंपनी, जोर से बोलो कंपनी मींस कंपनी, which is registered under this act or previous, ये तो एक definition हुआ, दूसरा क्या है, company is an artificial person, बोलो company is an artificial person, company is an artificial person, which is created by law, which is created by law, having perpetual succession, बोलो क्या बोले, having perpetual succession, बोलो क्या बोले, having perpetual succession, having perpetual succession, कॉमन सी, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सुनिए क्या होता है, सुनिए एक कंपनी है, कौन सा पर्सन है भाई, आर्टिफिशियल, कौन सा पर्सन, हम लोग जैसा है, हम लोग आर्टिफिशियल है, हम लोग क्या है, नेचुरल, हम लोग क्या है, अरे आर्टिफिशियल बनना रहा था तो बोलते भाई हम लोग को बुरा बुरा बना, काला क्यों बना रहे, बढ़िया थोड़ा डिजाइन बना, इन हम लोग के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, हम लोग हाथ में है इसका, बोलिए हम लोग नेचुरल पर्सन, कौन सा, आर्टिफिशियल तो भाई हम लोग के हाथ में होता है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बोलो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, बोलो व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कौन बनाया, लॉ ने बनाया, कौन बनाया, लॉ ने, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने बनाया, लॉ ने, किसने बनाया, लॉ ने, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जोर से बोलो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बेटा कंट्रोल ले पाएंगे ना, क्यों रो रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बोलो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, अभी भी समझाना, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, कंपनी अलग मालिक, कंपनी अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम पर संपत्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर केस करेगा, कंपनी गड़बड़ करेगा तो कंपनी पे जनता केस करेगा, समझे, इसका बात कर, इसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो डेफिनेशन क्लियर है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बोलो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सिम सेपरेट लीगल एंटिटी, बोलो हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सिम सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सिम सेपरेट लीगल एंटिटी, किसका बात करें, कंपनी, किसका, कंपनी, अरे डेफिनेशन तोड़ दे।